चलिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारा हमने अभी एफिशिएंसी निकाल ली, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल ली, उसी कंडीशन निकाल ली। बच्चे अब हमको पढ़ना है कि हमारा करंट क्या होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, आप बिल्कुल मेरे साथ चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चे हम ये जानते हैं कि हमारा जो आयरन लॉस है वो किसके इक्वल है, कॉपर लॉस। ये डेरिवेशन हमने अभी किया था। चलिए तो हमारा जो पी आई है वो किसके इक्वल है, आई टू स्क्वायर आर ले सकता हूँ मैं, है ना, आई टू स्क्वायर आर टू लिख देता हूँ। अब हमारा जो आई टू है ये किसके इक्वल है, देखना आई टू है आपका किसके इक्वल है बेटा, जो आपका आई टू है वो मेरा आई टू एम के इक्वल है, क्लियर है। अब आई टू एम क्या है वो आपको बता रहा हूँ, आई टू एम यहाँ पर मैं यदि पुट करता हूँ तो मेरा आ जाएगा पी आई इक्वल्स टू आई टू एम स्क्वायर आर टू। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो करंट का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आप, आपका जो आई टू एम है उसको निकालूंगा तो क्या आएगा, पी आई अपॉन में आर टू, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको निकालना है लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या निकालना है, लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे भैया, लेट इसमें मान लें, लेट क्या लेट करेंगे कि आपका जो आई टू है वो आपका फुल लोड करंट है, ठीक है ना। ये क्या है, फुल लोड करंट, ठीक है। तो आपका जो आई टू अपॉन आई एम है, आई टू एम अपॉन आई टू एफ एल, दिस इज एफ एल, क्या होगा, क्या करा मैंने सर, मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, किसका डिवाइड कर दिया, आई टू एफ एल का। तब आई टू एफ एल का इस इक्वेशन में डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा सर, सर वन अपॉन आई टू एफ एल अंडर रूट पी आई अपॉन आर टू, यही मिलेगा मिलेगा। चलिए अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इस पूरे आई टू एफ एल को अंदर लेके जाता हूँ अंडर रूट के, तो क्या होगा सर, ऊपर तो पी आई रहेगा और नीचे आई टू स्क्वायर अंदर जाएगा, तो आई टू स्क्वायर एफ एल मतलब फुल लोड इंटू आर टू, ये क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब ये है क्या आपका, देखिए बेटा ये क्या है, ये है आपका पी सी यू, क्या है पी सी यू, ये आपका पी सी यू मतलब किस पर, कॉपर लॉस एट फुल लोड पर, फुल लोड पर है। आपने ये कंपोनेंट आपने यहाँ निकाला हुआ है, क्लियर है। तो आपका जो आई टू होगा, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपको आई टू एम, यही तो निकालना था, मैक्सिमम करंट एट द करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये निकालना था। तो आई टू एम कैसे लिखूंगा मैं, कि आई टू इन फुल लोड अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू एट फुल लोड, ये ध्यान रखो बस। ये जो है आपका करंट आ गया, ये क्या आ गया बच्चे, करंट आ गया, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या है, दिस इज अ लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये क्या है, दिस इज अ लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्लियर है। अब आपको ये आपका है लोड करंट, दिस इज द लोड करंट, ठीक है। अब देखना आप, अब मुझे केवीए निकालू, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे केवीए कैसे निकालेंगे, देखिएगा केवीए इज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्या होता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, कैसे क्यों होती है भैया, क्योंकि हमारे जो ट्रांसफार्मर में दो तरह के बेटा वो होते हैं लॉसेस, पहला होता है आयरन लॉस, दूसरा होता है कॉपर लॉस। एंड आयरन लॉस इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज एंड द कॉपर लॉस इज डिपेंड अपॉन द करंट, दैट इज वाई द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज केवीए।
और MVA, इसकी रेटिंग KVA और MVA में होती है। तो KVA means it is a power rating, it is a rating of the transformer, clear है अभी तो? चलिए, तो मैं यहीं पर आपको क्लियर कर रहा हूँ कि why the rating of the transformer is in KVA, because the iron loss is depend upon the voltage and current loss is depend upon the current, that is why the rating of the transformer is in KVA, KVA में transformer की rating होती है। अब देखिए आपको, आपको निकालना क्या, KVA निकालना at maximum efficiency, कैसे निकालेंगे, KVA at मैक्सिमम एफिशिएंसी लिख दूं मैं इसको, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, सर कुछ नहीं है सर, एफिशिएंसी निकालना है ना मुझे, तो मेरा आई टू एम तो निकला था, इसमें यदि वी टू का मल्टीप्लाई कर दूं, वी टू का मल्टीप्लाई कर दो बस, तो मेरा ये वी टू हो गया, इधर इधर दोनों तरफ वी टू का मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर भी हो जाएगा, वी टू का मल्टीप्लाई किया आई टू एफ एल, और अंडर रूट में आ जाएगा पी आई अपॉन में पी सी यू एफ एल, बस ये है इंपॉर्टेंट बच्चे। मैंने क्या किया, यदि केवीए निकालना है तो मैंने दोनों तरफ यहां भी और यहां भी वी टू का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ये क्या बना, ये क्या बना सर, ये तो बना मेरा केवीए, केवीए रेटिंग बन गया सर, ये तो केवीए रेटिंग बन गया, किसमें, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा कि केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी will be equal to, किसके इक्वल होगा, ये केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग, बेटा ध्यान समझना, ये पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही आता है कि प्रूव डेट, ऐसे ही आएगा पी आई अपॉन में पी सी यू इंटू एफ एल, ये है आपका, ये है डेरिवेशन बेटा, ये है, ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूव डेट केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी will be equal to KVA rating under root PI upon PCU, बस यहाँ तक हमको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, ये प्रूफ कर दिया आपने, खत्म, ये 10 नंबर में पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, क्लियर है, आपको समझ में आ गया डेफिनेशन, डेरिवेशन पूरा क्लियर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्लियर है, तो मुझे लगता है कि अब आगे आप इस पर न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।